नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। मुख्तार के करीबी संजीव जीवा की हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी विजय यादव ने बिहार के मुंगेर से मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर ली थी और विजय यादव ने पूछताछ में पुलिस को इस बारे में जानकारी दी है, रिवॉल्वर लेने की जानकारी दी है। एक टॉयलेट में कपड़े बदलने की भी जानकारी दी गई है। विजय यादव ने टॉयलेट में वकीलों वाली ड्रेस पहनने की बात भी की है और रोडवेज बस से लखनऊ आने का भी खुलासा किया है। विजय यादव से मिली जानकारी के बाद 5 दिन की कस्टडी मांगी गई और देखिए टॉयलेट में वकीलों वाली ड्रेस पहनने की बात कबूली है विजय यादव ने, ये बात सामने आ रही है। संजीव जीवा हत्याकांड में बड़ा खुलासा ये हुआ, विजय यादव ने अभी तक क्या बात कबूली है। आरोपी विजय यादव ने बिहार के मुंगेर से ली थी मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर, ये बात सामने आई है और विजय यादव ने पूछताछ में पुलिस को मुंगेर से रिवॉल्वर लेने की जानकारी दी है। विजय यादव ने एक टॉयलेट में कपड़े बदलने की भी जानकारी दी, लगातार उससे पूछताछ हो रही है और विजय ने टॉयलेट में वकीलों वाली ड्रेस पहनने की बात भी कबूली है। अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हासिल करना है, लेकिन अभी तक क्या कुछ खुलासा हुआ, किन किन बातों का जिक्र उसने पूछताछ में किया है, वो बात सामने आ रही है और इसी पर हमारे साथी विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। विवेक, क्या कुछ बात अभी तक सामने आई है, क्या कुछ कबूला है विजय यादव ने, जरा बताएं तफसील से विवेक। देखिए, जो विजय से जेल में जाकर पूछताछ हुई है, इसके अलावा जो वो मौके पर गिरफ्तार हुआ था और अस्पताल में उससे बातचीत हुई थी जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है, इन सारी पूछताछ का लब्बो लुहाब ये निकला था कि विजय यादव जो बहराइच से निकला था रोडवेज बस के जरिए, तब उसको चूंकि लखनऊ में बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं है, उसने ये बताया कि एक ओवर ब्रिज के नीचे उतरा और वहीं पर एक बड़ा सा चौराहा था और वहीं एक जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं पब्लिक टॉयलेट, वहां पर वो गया, वहां पर उसने अपने कपड़े चेंज किए, वकील की जो ड्रेस होती है वो पहनी, कोट पैंट और शर्ट, उसके बाद वो सीधा कोर्ट पहुंचा था। जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस जगह वो रुका होगा, ओवर ब्रिज और बड़ा चौराहा और पब्लिक टॉयलेट, वो यहाँ पर परिवर्तन चौक इलाका ऐसा है जहाँ पर ओवर ब्रिज भी है, पब्लिक टॉयलेट भी है और एक बड़ा सा चौराहा भी है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। क्योंकि जो रोडवेज बस आती है बहराइच से अगर लखनऊ आएगी तो लगभग कई बार इसी रूट से आती है, उस रूट पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की छानबीन कर रही है पुलिस। पूछताछ में उसने ये भी बताया था कि वो रिवॉल्वर जिससे उसने हत्या की है, मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर, चेक रिपब्लिक की रिवॉल्वर है, वो उसने बिहार के मुंगेर से ली थी। अब ये किससे ली थी, क्योंकि वो असलाह तस्करी में पहले भी लिप्त रहा है, ये बात उसने कबूल की थी कि वो असलाह तस्करी करता था, बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान तमाम जनपदों में उसने असलहे मुहैया कराए हैं, तो बिहार में कौन सा असलाह तस्कर था, गुड्डू एक। शुक्रिया आपका विवेक। तो आप रिवॉल्वर कैसे मिली मुंगेर से, ये भी अब जांच का विषय है। बहुत सारी जानकारियां विजय यादव ने पुलिस को दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।